वेलकम टू द क्रेव हर्मिट शो। मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल एंड आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं मिस्टर संजीव कुमार का। संजीव कुमार फिजिक्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम और बच्चे प्यार से खासकर संजीव कुमार को संजीव सर कहकर पुकारते हैं। बेसिकली उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है अन्य टीचरों के मुकाबले बिल्कुल वो भिन्न है। शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि जो युवा है उनको उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है काफ़ी पसंद आता है और बच्चे खास करके उनके बारे में दिलचस्पी रखते हैं कि सर का क्या बेसिकली कैसा लाइफ रहा है, सर कैसे इस फील्ड में आए और बेसिकली सर का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है कि वो 12 से 13 घंटे दिन में काम कर सके। सर का बहुत सारा पॉलिटिकल व्यूज़, बॉलीवुड पे व्यूज़, उनका बेसिकली वो इस फील्ड में कैसे आए, आज हम लोग सर से इन सारी बातों पर मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सर से बात करते हैं। तो संजीव सर के जो भी सफलता की कहानी रही है हम लोग उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो संजीव सर बताइए कुछ अपने बारे में। वैसे तो कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है प्रिपरेशन के दौरान कि मैं आगे चल करके कोचिंग चलाऊंगा। शायद मैंने भी नहीं सोचा था। जब हम लोग 10th क्लास में थे तो मेरा एक सपना था कि मुझे इतना बेहतर मार्क्स लाना है और मुझे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके, 10th के बोर्ड को क्रैक करके साइंस में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 7 नंबर कम होने के वजह से मेरा पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं। पहली सपना तो वहीं टूटा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस समय प्रेरित था तब के बहुत नामी गणितज्ञ श्री वशिष्ठ नारायण सिंह से। अच्छा। और गणित में ही मेरा सबसे ज़्यादा रुचि भी था और गणित में ही मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आता था। लेकिन उसके बाद जब कोई एक आपकी चाहत होती है नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे रास्ते को देखे जाते हैं। तो मैं जब पटना आया 1988 में तो ट्राई मैंने सब जगह किया एडमिशन के लिए। फाइनली मेरा एडमिशन एन कॉलेज में हुई। लेकिन जहाँ तक कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम का सवाल था वो इतना बेहतर तब भी नहीं था। पटना साइंस कॉलेज वगैरह था, पटना यूनिवर्सिटी का उस समय स्थिति बहुत अच्छी थी लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में आने वाले कॉलेज में वैसी बेहतर स्थिति नहीं थी जिससे कि आप कॉलेज की पढ़ाई से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकें। तो उस समय भी कहीं ना कहीं अन्य शिक्षकों पे कॉलेज के बाहर भी लोग आश्रित होते थे कोचिंग में अन्य अन्य जगहों पे। पर दिक्कत क्या थी कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमको पढ़ाया क्या जा रहा है, दोनों में आसमान ज़मीन के फ़र्क हुआ करता था। पढ़ाने वाले ये सोचते थे कि मुझे किसी भी तरह से इसको ISC जिसको अब हम लोग 12th बोलते हैं कि ISC के सिलेबस को कवर करके इनको एग्ज़ाम को पास कराना है। और सपना बड़े देख रहे हैं, IIT करना है, बेहतर करना है, तब का BIT होता था तो ये करना है। वो आप 1998 का बात बता रहे हैं, उस टाइम भी इंजीनियरिंग का क्रेज उतना ही था। हाँ, नहीं IIT का तो कहीं ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रिस्पेक्ट था आज के भी कंपेरिजन में IITian होना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सीट कम था और उस समय IITian होना जो है वो एक बहुत सौभाग्य की बात थी। ओके। लेकिन जब वहाँ एडमिशन नहीं हुआ पटना साइंस कॉलेज में तो एन कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। कुछ शिक्षकों एन कॉलेज में जैसे मैं तो मैथमेटिक्स से था। okay. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा कम्बिनेशन हुआ। okay. और उस दरमियान जो है बहुत से शिक्षकों से भी हम लोग रूबरू हुए और 12th एग्ज़ाम तो हम लोग बहुत अच्छे से क्रैक किए, अच्छे मार्क्स से लाए। लेकिन करेंट ईयर में जो दिक्कतें थी उस समय टीचर थियोरेटिकल कंसेप्ट देते थे लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह जो स्टूडेंट की बुनियादी ज़रूरत थी क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग 100% न्यूमेरिकल्स होता है और शिक्षक पूरी तरह से कंसंट्रेट होते थे थियोरेटिकल कंसेप्ट पर। उससे वो 12th में तो बच्चा अच्छा कर जाता था लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाता था। फिर आगे हम लोग BM दास रोड में बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे, वहाँ हम लोग ज्वाइन किए, कुछ अच्छे शिक्षक,
कुछ सिंपल शिक्षक मिले, लेकिन केवल हम शिक्षकों की बात करें और माहौल की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कारण कि कोई भी व्यक्ति का जो सफलता है उसका 80% योगदान कहिए एक तरह से उसका खुद का होता है कि आप जो हैं स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, मेहनत किस तरह से करते हैं, आप अपने करियर के प्रति कैसे फोकस्ड हैं। तो निश्चित रूप से पहले तो हम लोगों के माइंड में ये था कि इंजीनियर बनना है, लेकिन IIT फर्स्ट अटैम्प्ट दिए सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट भी दिए सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने अपने कमियों को देखा, टाइम निकलते जा रहा था, लेकिन टाइम आपको कोई गाइड करने वाला था? कोई घर में तो ऐसा कोई नहीं था कि जो मेरे पहले कोई साइंस पढ़ा, तो इसलिए कोई वैसे व्यक्ति तो नहीं थे कि जो मुझे गाइड करें। हाँ, शिक्षक लोग से ही हम लोग सलाह लेते थे कि सर क्या करें कैसे करें। तो मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि था। अब क्या हुआ कि जब मैं देखा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा और मैं ऑलरेडी BSc में एडमिशन लिए हुए था, कंटिन्यू अपना इधर से मैं डिग्री ले रहा था, लेकिन मेरे साथ एक बहुत गंभीर समस्या ये था कि मेरे पास फाइनेंशियली जो है वो अपने ही खर्च को चला पाना मुश्किल था। क्योंकि दिक्कत ये था कि मेरे फादर तो हम 5 साल के ही रहे थे तो दुनिया में रहे नहीं, और जो कुछ भी था उस समय भी पटना में घर घर ट्यूशन जा कर के पढ़ाना और उस खर्च से अपने छोटे भाई को भी साथ में रखना और खुद को भी सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट सब चीज़ को मैनेज करते हुए चलना, तो ये एक स्ट्रगल स्टार्ट में ही मिला। वैसे तो मेरा लाइफ स्टार्ट ही स्ट्रगल से हुआ, जब फादर नहीं रहे तो बस स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट हो गई। लेकिन बात अब बिल्कुल हम लोग नीचे जा कर के करेंगे तो शायद बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बेसिकली आप कहाँ से रहने पटना आए थे सर? एक्चुअली मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा जिला जिसे बोलते हैं, उसके संदेश थाना के अभयपुरा गांव के रहने वाला व्यक्ति। और उसमें भी क्या है कि उसी थाने में एक बचरी गांव है जहां मेरी ननिहाल है। अब मैं शुरुआत के समय में मेरे फादर चूँकि नहीं रहे तो हम लोग ननिहाल में ही रहते थे, और मेरे ननिहाल में पढ़ने की कोई भी माहौल नहीं था। अच्छा, कोई भी केवल मेरे ही साथ और मेरे घर में ही नहीं बल्कि उस गांव में ही पढ़ने लिखने की कोई उस समय माहौल नहीं था। तो आप ये समझिए कि वहाँ मैं 8-9 साल की उम्र तक रहा। अच्छा, आपका बचपन मतलब वहीं? हाँ, वहीं गुजरा, और एकदम बहुत ही शानदार बचपन गुजरा। केवल खेलते कूदते, पेड़ पौधे पे चलते टहलते, मतलब कुछ कहना नहीं, जिसको हम स्मरण से हटा ही नहीं सकते। आज भी बचपन का मतलब वही मुझे याद आती। उसके बाद जब मैं 9 साल की उम्र में गांव पे आया जहां मेरी चाची रहती थी, माँ वगैरह तो मेरे ननिहाल में ही रहती थी, तो चाची के पास मैं आया तो चाची मेरी केवल एक चीज़ का केयर रखती थी, तुमने खाना खाया कि नहीं। बल सही बात तो यह था ना कि ना मेरी माँ पढ़ी लिखी थी ना मेरी चाची पढ़ी लिखी थी, और यहाँ आने के बाद मैं एक बहुत विचित्र चीज़ देखा। मेरा गांव जो था वो बाकी गांवों से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता क्या था कि जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं, जो सीनियर लोग भी हैं, वो लोग भी कंटिन्यूसली पढ़ते रहते थे। और एक तो ननिहाल में रहने के वजह से हम लोगों का जो भाषा था, लहजा था, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं जब यहाँ पर आया तो समझ में नहीं आया, जब मैं जैसे ही कुछ बोलूं लोग बोले कि अरे ऐसे बोला जाता है, इस तरीके से बोलो, ये अदब से बोलो। अच्छा, मतलब ननिहाल और जो आपका दादाजी का घर था वो अपोजिट था एक दूसरे के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जगह का माहौल बिल्कुल एक दूसरे से अलग था। अब जो है वहाँ पे
बहुत सीरियसली लोग स्टडी करता था, इतने टाइम पे बैठ जाना है, लालटेन जला करके आपको शाम में 6 बजे बैठ जाना है, 9 बजे रात तक पढ़ना है, फिर मॉर्निंग आवर्स में जो है इतने बजे आपको होमवर्क बनाना है वगैरह वगैरह, वहाँ का एक रूटीन बहुत डिफरेंट था। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले में से तो थे नहीं, आदत नहीं था, आदत ही नहीं थी। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आई कि जब क्लास आगे बढ़ा तो घर में कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, तो ये भी नहीं पता चले। अब चाची के गार्जियनशिप में हम जरूर थे, लेकिन चाची को खुद भी पढ़ाई लिखाई की कोई जानकारी थी नहीं, तो हम लोगों को भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। हकीकत तो ये है कि 6th क्लास तक मैं केवल स्कूल गया हूँ, मैं वहाँ न के बराबर पढ़ा हूँ, केवल हिंदी पढ़ने मुझे आता था, और बाकी कोई भी विषय हो उसकी मुझे अच्छी जानकारी नहीं थी। बल्कि अगर ये कहें तो कहीं ना कहीं मैं एग्ज़ाम भी अगर 6th क्लास तक पास किया तो मेरे बगल में बैठा हुआ जो लड़का एग्ज़ाम दे रहा होगा उसी का योगदान रहा होगा, कारण कि हम लोग मिलजुल करके लिख लेते थे, एग्ज़ाम पास कर जाते। कहीं से भी मुझे ये नहीं मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आगे चल करके मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे ये करना है, कभी मैंने सोचा नहीं था। वैसे तो बहुत सारे दर्द थे, अपने दर्द थे, जिनको जिसको इस प्रोग्राम में व्यक्त करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल पढ़ाई से हट करके था। उसका 2 कारण था, एक तो पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, और दूसरी थी कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी जहाँ हम लोग के अंदर भाव ही था कि बड़ा होंगे तो मुझे ये करना है, तो मुझे बदला लेना है, तो मुझे ये करना है, बहुत नए अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते थे, जो माहौल जैसा था उससे आपका विचार भी। लेकिन जब मैं 7th क्लास में गया तो एक मेरा मित्र मेरे से 1 या 2 साल बड़ा होगा, वो अक्सर मुझे कहता था ना कि तुम आओ ना मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तुम बहुत तेज़ हो। अच्छा, तो चूँकि मैं क्रिकेट फुटबॉल ये सब खूब बढ़िया खेलता था, स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान था, बहुत रुझान था, तो वो मुझे बोला कि तुम मेरे घर पे आओ, अभी समर वैकेशन है, गर्मी की छुट्टी, हम लोग दिन भर बैठ के पढ़ेंगे। तो हम बोले कि देखो मेरे चक्कर में तुम्हारा भी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, मैं तो पढ़ने वाला हूँ नहीं। उन्होंने बोला ना कि आओ ना मैं तुमको अंग्रेज़ी बोलना सिखाऊँगा। तो बोले चल ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो चलो सिखाओ। जब उसने मुझे सिखाया तो मुझे लगा कि वो इतना सिंपल है, तो हम उससे पूछे कि क्या मैं मैथ भी सीख सकता हूँ, तो बोला क्यों नहीं सीख सकते हो। तो मैं एक शिक्षक को रेफ़र किया, मैं उनके यहाँ गया। अच्छा, उसने आपको एक शिक्षक? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दोस्त का भी नाम लेना पसंद करूँगा, नज़ीर अहमद। अच्छा, नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद मतलब क्या बताएं, मेरे लिए तो मैं निश्चित रूप से वो पहला व्यक्ति जो मेरे जीवन के दिशा निर्धारित किया हो। आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है। बिल्कुल हाँ, मतलब वो उसने स्टार्टअप दिया है। उस वो मेरे अंदर क्या देखा मालूम नहीं, या पढ़ाने को उसकी शौक थी या क्या थी वो समझे, लेकिन मुझे एक ज़बरदस्ती घर पे बुला के सिखाने की कोशिश करना। एक्चुअली क्या था ना कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, इतने सारे गुण उनमें थे और इतने लोकप्रिय थे लोगों के बीच कि हर व्यक्ति उनके ओबलाइज थे, तो इसलिए हम लोगों को समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, बस ओनली ड्यू टू वीर बहादुर सिंह। कहीं भी जाते थे, वो नेताजी के बेटा हैं, वीर बहादुर सिंह के बेटा हैं, तो इतना रिस्पेक्ट मिलता था कि कभी भी ये हम लोग नहीं सोचे कि जीवन में कुछ ऐसा काम करो जिससे फादर के जो प्रतिष्ठा है उस पर कोई आँच है। ऐसे भी मेरे लाइफ के रियल हीरो मेरे फादर हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ हूँ जो दुनिया में जो जीवित व्यक्ति नहीं हैं उनमें से कुछ वैसे लोगों में सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मेरे फादर रहे हैं। और उसका कारण ये नहीं रहा है कि वो मेरे फादर थे, बल्कि वो तो केवल मेरे जैविक पिता थे, उन्होंने तो मेरा पालन पोषण भी नहीं कर पाया था, लेकिन क्या उनकी जादू थी, लोगों के बीच क्या वो कर गए थे,
मतलब कि हर व्यक्ति जहाँ मैं मिलता था इतना रिस्पेक्ट, क्या लोगों के दिलों पे उन्होंने राज किया था। एक्चुअल में उस समय मेरे फादर एक जमींदार घराने से आने के बाद भी, या कहिए ऊंची बिरादरी से आने के बाद भी, उन्होंने अपनी लड़ाई को सभी दलितों, शोषितों, कमज़ोर लोगों के लिए लड़ा था। और लोगों के हृदय में उनके लिए जो प्यार था वो अविस्मरणीय था। और उनकी जो सपने थे आज़ाद भारत को लेकर के, क्योंकि आज़ादी को उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, 1942 में जेल भी गए थे वो, तो उनके जो सपने थे वो ऐसे थे कि उस सपने को अगर वास्तव में उतारा जाए तो भारत से खुशहाल और समृद्ध देश नहीं हो सकता। तो मैं तो जीवन में ख्वाहिश केवल यही रखता हूँ कि मैं मरूं जब तो लोग मुझे याद करें मेरे फादर के तरह, क्योंकि लोग जो है ना केवल जुबान पे नहीं, उनको दिल में रखते हैं। इतने दिनों के बाद भी जितना उनको प्यार मिलता है, जो उनके कर्म क्षेत्र रहे हैं जिन लोगों के बीच, तो हो सके शायद नज़ीर अहमद या उसके परिवार मेरे फादर के मुरीद रहे हों। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा याद रखा जाता है लोगों के द्वारा। वो एक अलग प्रसंग ही हो सकती है, मैं जब उनके बारे में बताने लगूं तो वो जल्दी ख़त्म होने को नहीं है। तो उन वो लोग मुरीद रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया होगा, ना ही कोई व्यक्ति किसी को डिस्क्रिमिनेट करे, तो उसको उन्होंने प्रतिकार करना भी सिखाया था कि ये चीज़ों को, हम एक तरफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्नत और समृद्ध भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ, उनके मुझे एक लिखी हुई लाइन याद आती है कि 12 बरिस के लड़िका व करेला हरवहिया अवरु चरवहिया न हो, भैया हमहू ना देखनिया जदिया गुलमिया में दिन कटे। जब आज़ाद भारत में 12 साल 14 साल के बच्चे हरवाही चरवाही करेंगे तो आज़ादी किस चीज़ की मिली थी। मुझे हर नागरिक को शिक्षित करना है, जागरूक करना है। जब तक हमारा प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध और ज्ञानवान नहीं होगा, एक अच्छे भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जहाँ हम लोग थे, तो मुझे लगता है कि मेरे फादर के जो आइडियोलॉजी था वो लोगों पे इतनी गहरी छाप छोड़े हुए था। मुझे याद है मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे जोगेंद्र मिश्रा, वो बोलते थे कि यार मैं डबल ए में हूँ लेकिन मैं तुम्हारे फादर के आगे कुछ नहीं था। मैं जहाँ जाता था लोग कहता था मैं तो वो तो मेरे गुरु हैं, वही मेरे गुरु रहे हैं। बहुत सारी उनकी कहानियाँ थी। तो मुझे लगता है कि नज़ीर अहमद और उसके फैमिली जो था वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मेरे फादर से कि वो मुझे शायद ट्रैक पे लाने का कोशिश किया हो। देखा हो कि नेताजी का लड़का बाय डाइवर्ट है और मैं तो पढ़ाई कुछ समझ में आती नहीं थी, हकीकत थी। तो उसके बाद मैं नज़ीर से थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश सीखा, टेंस सेंटेंस ग्रामर वगैरह सब समझ में आने लगा। क्लास का बात था जी, बिल्कुल सेवन्थ क्लास की बात है। सेवन्थ क्लास में ही मैं मैथमेटिक्स का भी ट्यूशन पकड़ा। मैं वहाँ गया तो वो भी टीचर जो हैं मेरा प्रशंसा करते थे, हालांकि मुझे कभी नहीं समझ में आया कि लोग प्रशंसा क्या करता है। हम तो भौचक रहते थे, वो लोग बतलाता था तो। लेकिन मैं एक कंटिन्यूस लेबर मतलब मेहनत के प्रोसेस में आ गए थे। अच्छा, आपको भी उस फील्ड में मेंटेन करना था खुद। फिर क्या था ना कि सबसे बड़ी दिक्कत मेरी क्या थी, हम ननिहाल के रहे हुए थे, अब मेरा भाषा थोड़ा खराब था, रफ था। ननिहाल में लोग अपने भगना भगनी को मारता नहीं है, ज़्यादा दुलार प्यार मिलता है। और दूसरी बात थी कि मेरे गार्जियन यहाँ भी नहीं थे, तो गार्जियन नहीं होने से बहुत से लोग नहीं चाहता था कि मेरा जो बच्चा है इसके साथ खेले, इसके साथ उठे बैठे, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा दादाजी के घर में आपको, हाँ हाँ, इतना ज़्यादा मतलब एक दुराव मिला था लोगों से, वो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो खलने लगा था।
वहाँ ज़्यादा अपनापन था और यहाँ थोड़ा बहुत ही दिक्कत थी। मैंने गांव घर से लेकर के सब जगह लोग जो है मतलब ये सोचता था ना कि मेरा बच्चा ख़राब हो जाएगा, ये खेलने कूदने वाला है, ये पढ़ने लिखने वाला। सही भी बात था, उनकी भी अपनी जगह सोच सही थी, उसमें मुझे कहना नहीं है कि उन्होंने मुझे क्यों डिस्क्रिमिनेट किया, लेकिन हाँ ये किया लोग, बल्कि अपने घर के भी परिवार के कुछ लोग जो थे मतलब वो लोग भी उन्होंने इस आधार पे मुझे कुछ ना कुछ मतलब अलग भाव रखा। लेकिन खैर उन लोगों के प्रति मेरे मन में मलाल नहीं है, क्योंकि क्या पता उस परिस्थिति में मैं भी होता तो क्या शायद ऐसा सोचता। लेकिन वहीं से अब एक कारवां शुरू हुआ, और जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता है कि कम से कम, चूँकि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बल्कि मैं तो पढ़ने वाले ही नहीं थे, ब्रिलियंट तो अलग बात थी, मैं मेहनत करने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा। अच्छा, आपका जो ये माहौल था, लोग डिस्क्रिमिनेट जो थोड़ा बहुत करते थे, तो कहीं इसका भी कुछ हाथ तो नहीं रहा आपके मेहनत करने में या फिर सोचने में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अब ऐसा है कि सेवन्थ क्लास में मैं अच्छे से पास किया, मुझे लगता है कि उसमें मैं किसी का हेल्प नहीं लिया, लेकिन उसके पहले मैं कोई भी क्लास अपने से पास वास नहीं किया था, यह सच्चाई है। सेवेंथ क्लास को पास करने के बाद भी कुछ हद तक मैं संतुष्ट हुआ था, सेटिस्फैक्शन आया था, लगा कुछ सेटिस्फाइड हुए अपने कि चलो मैं भी एक पढ़ने वाले के लिस्ट में हूँ। एट्थ क्लास में क्या हुआ कि एक भयंकर जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अच्छा। हम लोग दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में ये एक नाटक करने वाले थे, तो नाटक करने वाले थे तो एक लड़का जो है पता नहीं क्यों, जो उस समय क्लास का टॉपर भी था, वो ये बोला कि संजीव अगर इस प्रोग्राम में रहेगा तो मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा। लोग हमसे पूछा कि क्या तुमको उससे कोई इशू है, बोले मेरा तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। हम पूछे कि आखिर दिक्कत क्या है उससे, टॉपर से? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? तो नहीं नहीं उसको उसको बोलने का पढ़ने का लिखने कोई चीज़ समझ है नहीं। अब क्या क्या बोला अब एकदम शाब्दिक रूप से तो याद नहीं, लेकिन जो बोला वो मेरे बारे में अच्छा विचार तो नहीं रखा। मैं कहा कि अच्छा ठीक, ये शायद ये बताना चाहता कि मैं टॉपर हूँ इसलिए लोग मेरे साथ होंगे और ये साइड हो जाएंगे। ये अलग बात है कि पता नहीं उस दिन भी जो बच्चे निश्चित रूप से मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते थे उसी को रिस्पेक्ट था, वो भाई टॉपर था तो रिस्पेक्ट भी था, लेकिन इस मुद्दा पे सारे बच्चे मेरे साथ रहे। और इन इतने लोगों का जब सपोर्ट मुझे मिला ना, तो मैं कहा कि पढ़ने में ही ना आगे है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। और मुझे लगता है कि तब से लेकर के अगर आज तक के मैं बात करूं, तो शायद ही कोई दिन होगा मैं 14 से 15 घंटा अपने काम पे ध्यान नहीं दिया हो, तब से लेकर आज तक। आज भी मैं कोचिंग चलाता हूं, तो आज मेरा सुबह में 7 बजे क्लास स्टार्ट होता है और रात के 8:30 बजे फिनिश होता है। अच्छा, इतना देर? ये वर्किंग आवर है, बीच में 12 से 2 PM का बीच का जो है गैपिंग है, वो इंटरवल खाने पीने का और या ऑफिस वर्क का, या अगर अदर वर्क्स चल रहे हों उसके सुपरविजन का या बाकी लोगों से संपर्क करने के। हालांकि वो भी वर्किंग पीरियड ही है, वो कहीं से साइड पीरियड नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। तो वो कंटिन्यू मैं मेहनत में आ गया, और मेहनत में शायद वो लोग मेरे सामने नहीं टिके। और फिर तो क्या है कि जुग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, और बादल जो है सूरज को रोशनी को कब तक रोक सकता है। फिर वो निकलते गए और ब्रेक तब लगा जब मेरे सपने 10th क्लास पास करने के बाद जब पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो वहाँ टूटा। नहीं तो मैं इस रफ्तार से बढ़ रहा था, इस रफ्तार, क्योंकि लोगों का प्रशंसा मिलने लगा था। मेरे शिक्षक कहते थे आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखे, भैया कहते थे सब लोग तुम्हारा खूब बड़ाई करता है, ये करता है। अब मुझे जो है ना एक सब कोई जो शिकायत करने वाला,
अचानक जो आपका बढ़ाई मिलने लगा, उससे जो उत्साह मिला, वो एनर्जी जो है ना, मुझे एकदम बूस्टअप करते गया, बूस्टअप करते गया। यहाँ पटना जब आए तो इसमें बहुत दिक्कत ये थी, क्योंकि हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, खेती बाड़ी भी होता नहीं था, क्योंकि घर में कोई करने वाले घर पे ही रहते होंगे, और माँ को फ्रीडम फाइटर का 500 रुपये महीना मिलती थी, जिसमें वो 100 रुपये रख के 400 रुपये यहाँ भेजती थी। मुझे याद है 270 रुपये किराए थे, 130 रुपये में दोनों भाई को पूरे मंथ काट लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। उसमें ट्यूशन भी पढ़ना है, कहीं जाना भी है, कोचिंग वगैरह वगैरह, बुक्स खरीदना है। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ मैं कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा लूँ, और उसके आधार पे, क्योंकि मेरे छोटे भाई का सपना था कि डॉक्टर उसको बनना है, आज डॉक्टर है। अच्छा, वो डॉक्टर हैं, DMCS से वो किए, और आज बहुत सारे जो भी मैंने सपने देखे थे, कुछ सपनों को मैं 100 गुना ऊपर पूरा किया। अच्छा, जितना सोचा था, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा आगे गए, और बहुत से सपने टूटे भी, क्योंकि कुछ चीज़ जो समय से जुड़ा हुआ था जो नहीं मिल पाया। तो अब जो है, कोचिंग चलाने के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा था, और वो इसलिए भी मैं नहीं सोचता था क्योंकि मैं जब ट्यूशन पढ़ाने जाता था किसी के घर में, और किसी कारण से एक दिन दो दिन नहीं गया, तो लोग जब उलाहना देते थे, बोलते थे, तो बहुत ख़राब लगता था। जबकि मैं इतने सिंसियर था कि संडे को भी मैं गैप नहीं करता था, लेकिन लोगों की एक आदत होती है, लोग बोलता है, लेकिन मुझे बहुत अजीब फील होता था। तो मुझे लगता था कि सब काम करेंगे, सब काम नहीं करेंगे, पढ़ाने वाला नहीं, ये नहीं करेंगे। लेकिन जब मुझे सफलता नहीं मिली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आशा के अनुरूप नहीं मिली, एक दो एग्ज़ाम में सफलता मिली, लेकिन अब वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, अब डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल रहा है, मैं वहाँ जा कर के कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं वहाँ जा कर क्या करूँगा, तो इसलिए मैंने उस सब में एडमिशन नहीं लिया। लेकिन उस दरमियान मेरे फिजिक्स के एक गुरुदेव, ऐसे तो मेरे बहुत से गुरुदेव रहे हैं, एक एन कॉलेज के डॉक्टर NKP सिन्हा, शुरुआत दौर में मैंने उनसे कुछ दिनों की शिक्षा ली थी, 2-4 महीने की। किस सब्जेक्ट में सर? फिजिक्स में। मैं जो, और उसके बाद जो है, हम लोग देव मुखर्जी सर थे, मैंने भी उनसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा, उनसे घर तो जाके नहीं पढ़ा। और एक लास्ट आपको कहें, जिन्होंने मुझे पूरा समझ और सोच को बदला फिजिक्स को लेकर के, वो अभय कुमार सिंह थे। अभय कुमार सिंह, वो एक तरह से ये बताए कि तुम्हारे अंदर क्षमता क्या है, तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हें कैसे करना चाहिए। फुल कंटेंट तो कहीं भी टॉपिक का मिला नहीं, लेकिन रास्ते मिले, किस गहराई तक जाना है, कैसे सोचना है, ये चीज मिला। इसके लिए मैं जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगा अभय कुमार सिंह का। इस सर से स्टडी करने के बाद जब मैं फिर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, मेरे बोले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, तब तक मैं, मेरा फिजिक्स इतना स्ट्रांग हो गया था, और इधर भी मैं पार्ट टू में आ गया था, तो इतना स्ट्रांग हो गया था कि मुझे लगा ना, जब सर पढ़ाते थे ना, तभी मुझे लगता था ना कि अगर इस बात को मैं पढ़ाऊं तो कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ा दूंगा, ये मेरी आत्मविश्वास थी। और एक तो मैं छोटा भाई को ऐसे भी पढ़ाता था, नॉलेज के ऊपर आपको रियलाइजेशन हो गया था, नॉलेज और जो डिलीवरी था, अपने बातों को कैसे रखना है, इसका मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और जब मैं, आपके सर कम्युनिकेशन स्किल में निखार कब आया? कम्युनिकेशन स्किल, देखिए हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, और स्कूल के तो लास्ट क्लास तक में टॉपर स्टूडेंट हो गए थे, 8th क्लास के बाद तो फिर हम तो तूफान हो गए थे। तो जाहिर है मुझे हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता था। सबसे ताजुब तो आपको ये होगा कि एक टेस्ट एग्ज़ाम में मुझे 75 में 73 मार्क्स संस्कृत में आया था। आपको सबसे ताजुब होगा कि संस्कृत का मैं 10th में जो पढ़ा श्लोक, अभी तक मुझे सब याद है।
क्योंकि हमने इतना ज़्यादा लेबर किया, तो जाहिर है संस्कृत अगर बेहतर आप समझते हैं, हिंदी बेहतर समझते हैं, इंग्लिश को बेहतर समझते हैं, तो आपको अपने भाषा पे कंट्रोल होगा। हालांकि मेरे भाषा उतने शुद्ध नहीं है क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ, इसलिए साइंस में सेंस को ज़्यादा देखा जाता है, लैंग्वेज पे कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो भी अगर भाषा में शुद्धता दिखती हो तो वो समझ लीजिए मेरे स्कूलिंग का ही देन है। okay. जो मेरे शिक्षकों ने टोक करके, समझा करके, डांट करके उन्होंने वो ट्रैक पे जो लाया था, तो जो मेरा संप्रेषण था, मेरे बातों को अभिव्यक्ति जो था, रखने के जो तरीका था, मेरे माइंड में जहाँ तक ख्याल आता है, मैं रुड़की इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने गया था मुजफ्फरपुर, आईआईटी रुड़की। हाँ, अब वो आईआईटी में शामिल हो गया, पहले रुड़की इंजीनियरिंग का अलग से एग्ज़ाम होता था, उसमें भी एग्ज़ाम दो दिन चलता था। तो मेरा दो पेपर बहुत अच्छा गया था, मैथ का दो पेपर होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक पेपर होता था, लेकिन अगला पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। तो मुझे ये लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि गांव में ये भी लोग सोचता था ना कि आप अगर 20, 21, 22 के हो गए, मतलब बहुत आप सीनियर हो गए। उस ज़माने में तो 20-21 साल में सबकी शादियां हो जाती थी, मेरी भी शादी 22.5 साल की उम्र में हो गई थी। 22.5 साल की उम्र में शादी? बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम आप क्या कर रहे थे? हैं तो बता रहे हैं, उस समय बस वही मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो मैं जिस होटल में रुका था, मैं उसी समय चिंतन करते करते सोचता कि क्यों ना मुझे, मैं फिजिक्स पढ़ा। लास्ट एग्जाम खराब होने के बाद हाँ, मुझे लगा कि फिजिक्स पढ़ाऊँ, क्योंकि फिजिक्स तो मेरा स्ट्रांग था। तो मैं उसके दीवार पे लिख दिया संजीव फिजिक्स सेंटर, होटल के दीवार पे चाबी से लिख दिए। और उसके बाद जो है पटना आया, आए तो मेरा छोटा भाई पूछा, भैया अब की कैसा एग्जाम गया है? हम बोले ठीक गया। आपने ख्याल किसी के साथ शेयर नहीं किया? हाँ, सिलेक्शन आपकी तो हो जाना चाहिए। हम बोले हाँ हाँ, जो होगा बहुत अच्छा होगा। हम बोले अगले दिन मैं एक टीन पे लिखवा के बोर्ड बनवाया, संजीव फिजिक्स सेंटर, मैं जहाँ रहता था वहाँ टांग दिया। 8-10 बच्चों को पहले से ही मैं ट्यूशन पढ़ाता था, अब मैं प्रोफेशनली सोचा मुझे पढ़ाना। ये कौन से ईयर का बात था? ये 93 की बात है, 92-93 की बात। उसके बाद पता नहीं बच्चों का इतना प्यार मिला कि मुझे लगता है 6 महीने के अंदर मेरे पास 150 स्टूडेंट हो गए होंगे। हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि लोग को मेरे ऊपर इतना विश्वास क्यों है। और फिर मुझे ये लगा कि और क्या करना, एक तो इस फील्ड में बहुत रिस्पेक्ट है, पैसे भी बेहतर आ जाते थे, और हम लोग के लिए तो 5,000-7,000 रुपये भी काफ़ी थे, क्योंकि जो 100-200 में चलने वाले लोग थे उनके लिए 5,000-7,000 तो बहुत लॉटरी लगने जैसा था। तो मैं ये सोचा कि मैं इंस्टीट्यूट चलाऊंगा। उसके बाद जो है मेरा इंस्टीट्यूट चलता था यारपुर साइड में, एक सरिस्ताबाद जगह है, वहाँ पे मैं खोला कुछ दिनों के लिए इंस्टीट्यूट। और वो रूरल एरिया में मुझे याद है, आज भी बच्चे तो मिलते हैं इतने दिनों के बाद तक, एक इंद्रपुरी पथ है, मुझे लगता है कि उस लाइन में कम से कम उसके आसपास के इलाके में 5-7 ऐसे बच्चे होंगे जो आज के डेट में डॉक्टर हैं, पटना में ही हैं, और 3-4 आईआईटी से इंजीनियर हैं। और ये मुझे कहीं से समझ में नहीं आती थी कि ये बच्चे इतने ज़्यादा मुझे मतलब प्रेम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और वो बोलते हैं सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उन लोगों का भी जो प्रशंसा मिला, तो एक तो मुझे गांव में जब प्रशंसा मिला था तो पढ़े थे, इन बच्चों का जब प्रशंसा मिला तो मुझे बेहतर से बेहतर काम करने का, पढ़ाने का रुझान हो गया, लगा कि और बेहतर काम करें और बेहतर काम करें। अब देखिए कोई भी आप फील्ड में जाएंगे और जब नया एंट्री करते हैं तो बहुत से लोग आपका आलोचना करते हैं, और चूंकि जब कंपटीटर आपके होते हैं तो निश्चित रूप से
वो कभी कभी बहुत स्तरहीन भी आलोचना करने लगते हैं। लेकिन मैं अपने जो भी मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, समकालीन लोग थे, कोचिंग चलाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग थे, उन लोगों के आलोचनाओं पे मैं ध्यान देता था। वो मेरा क्या आलोचना करते हैं, जैसे वो बोले कि भाई संजीव को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अच्छा नहीं आता। कोई स्टूडेंट कहा कि जानते हैं सर, फलाने सर जो है ना आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैं बोला कि देखो, उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया होगा मेरे बारे में, मेरे कॉपी देखा होगा, वो जो बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं है, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं अब उसको 2 बुक 3 बुक बनाया, ये बनाए वो बनाए। मैं कहे कि अब इस पर कोई क्लेम ना करे, मतलब कि मुझे संवारने में जो मेरे विरोधी रहे हैं मैं उनको धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकता। वो लोगों ने मुझे संवारा, मेरे कमियों को निकाला, कहीं सही कहीं गलत भी, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, मैंने कभी निगेटिव नहीं लिया। मेरे कोई भी विद्यार्थी पिछले 20-25 साल के मेरे कैरियर में एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो ये आपको कहेगा कि संजीव सर अपने क्लासरूम में किसी शिक्षक का आलोचना की। मैं कभी किसी शिक्षक का आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक होना मैं सबसे सम्मानित व्यक्ति मानता हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति जो ज्ञान देने की बीड़ा उठा लिया, उसकी हिम्मत को पहले दाद देनी चाहिए, ज्ञान उसके बाद की बात आती है, और तब बात आती है अभिव्यक्ति की कि वो अपने बातों को किस तरीके से रखता है। इसमें ठीक है, मेरे यहाँ शायद पटना में फिजिक्स के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मुझे ही लोग लाइक करता है और मेरे यहाँ लोग पढ़ता है, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं पटना में भी हैं, इंडिया में हैं, बहुत से अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन शायद उनके जो सीक्वेंस है पढ़ाने की, किस बात के बाद किस बात को रखना है, उनकी व्यक्त करने का जो तरीका है, दूसरे को जो माइंड सेट को पढ़ने की जो तरीका है, एक स्टूडेंट जो अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है, 16-17 साल 18 साल के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनमें किस किस तरह का डिस्ट्रैक्शन है, उनको शायद वो मोटिवेट नहीं कर पाते हों, इसलिए भले वो लाइमलाइट में शिक्षक नहीं हों लेकिन नॉलेज वाइज जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो मैं तो उन शिक्षकों को भी बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोई आदमी आपको शिकायत करेगा तत्कालिक नुकसान पहुँचाएगा, और उस शिकायत को अगर आप दूर कर लीजिएगा तो आपके लिए वो परमानेंट जो है अचीवमेंट हो जाता है। एक बात ये भी तो है सर, जैसा कि आपने कहा कि मेरा कोई आलोचना करता था तो हम उसी पे काम करते थे कि क्यों आलोचना हुआ, और कोई प्रोत्साहन देता था तो उसे मोटिवेट होते थे और ज़्यादा काम करने के लिए। बिल्कुल, ये तो आपका एक सेट ऑफ मेंटेलिटी हो गया जो कि अगर हर किसी का हो जाए, अगर मेरे ख्याल से तो हर कोई सक्सेस हो सकता है कि अपने आलोचनाओं से सीखना और अपने जो प्रोत्साहन मिला उससे और ज्यादा काम और करने के प्रोत्साहित होना। बिल्कुल, तो सफलता में तो सर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ। तो ऐसा माइंडसेट बनाने में कोई आपका देखिए ऐसा है ना कि मैं जिस घर में पैदा लिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं वीर बहादुर सिंह का बेटा, और उनकी जो समझ थी वो इतनी बेहतर थी कि हम शब्दों में क्या व्यक्त करें। जो आदमी के पास खुद बहुत बड़ी हैसियत न भी हो तब भी वो सारे दुनिया को मदद करने निकलता हो, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट जो डेवलप हुआ, मैं अपने फादर के जो विचारों पे चला, जो आदमी इतनी बड़ी सल्तनत, अंग्रेजों के सल्तनत से टकराने के लिए 19 साल के उम्र में ही निकल गया हो, और उसको जब आप आदर्श मान के चलते हैं तो एक तो आप विषम परिस्थिति में भी घबराते नहीं हैं, और दूसरी बात ये थी कि मेरी माँ हमेशा सिखाती थी, मेरे घर के जो माहौल था उसमें ये सिखाया जाता था कि आलोचना जो है ना वो कमज़ोर लोग किया करते हैं, मजबूत लोग जो है वो प्रशंसा करते हैं। जल्दी आपके मुंह से किसी की प्रशंसा नहीं निकलती है, क्योंकि आपके अंदर हो सके किसी के प्रति ईर्ष्या हो, उसके प्रगति से दिक्कत हो, तो आप जल्दी आप प्रशंसा नहीं निकालते हैं। आलोचना जो है
लोग अक्सर कर दिया करता है। फिर दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि किसी को भी आलोचना करने के लिए उसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। उसके बारे में जब तक हम बहुत स्टडी नहीं करेंगे तो उसके कमियों को नहीं जान पाएंगे। तो ऊपरी तौर पे जो आलोचना होता है वो किसी का आलोचना भी नहीं हो पाता। तो जो मेरे मित्र लोग आलोचना करते थे तो मैं उसको इसलिए बेहतर मानता था कि शायद उन्होंने मेरे कॉपी को देखा है, मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, कभी हमने उसको सत्य ही नहीं समझा। हाँ, अब रही कुछ चीज़ों का आलोचना जो कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप सांवले हैं क्यों हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये तो हम कोशिश करके भी दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि आपका जो है रोटेशन अच्छा नहीं है, आपका ग्रेविटेशन अच्छा नहीं है, तो हम तो एक दिन रात मेहनत करके उसको बेहतर कर सकते हैं। तो हमने उन आलोचनाओं को लिया जिसको मैं सुधार सकता था, बेहतर कर सकता था। और यही कारण है कि मुझे आज एक तरह से कह सकते हैं शिक्षा जगत में शायद ही कोई शिक्षक हो जो शायद मेरा आलोचना करे, मुझे नहीं लगता है। हालांकि मैं तो कभी जीवन में किसी का नहीं कर सकता क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं उनका आलोचना केवल इस आधार पे करूं वो मेरे आलोचक हैं, वो मेरे विरोधी हैं। वो विरोधी भी पता नहीं कैसे बन गए होंगे, हो सकता है कि लोग ये सोचता हो कि इनके यहाँ विद्यार्थी चला गया तो उस आधार पे शायद इनका आलोचना करे, कुछ ऐसे हो। इस तरीके की बात कभी भी शिक्षकों की नहीं करनी चाहिए। आप एक जीवन में देखे होंगे कि कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के बुराई नहीं करता है। मैं एक नया प्रचलन इस शिक्षा जगत में चलाना चाहता हूं जो अक्सर शिक्षकों के बीच होती है, दूसरों की कमियां। आप कमी क्या निकालते हैं? अरे कोई यही ना हो सकता है आप कुछ मामले में कुछ बहुत ज़्यादा जानते हों और वो कुछ जानते हों। जानता तो हर कोई है, तो हम उसके खासियतों को भी तो देख सकते हैं। केवल हम उसके कमियों को देखेंगे तो विद्यार्थी भी अगर केवल कमियों को देखेगा तो क्या सीखेगा। हम लोग शुरुआत दौर में जिन शिक्षकों से पढ़े वो लोग तो हम लोगों को एक न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन मैं तो उनका आज भी मुरीद हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया था। संजीव तुम अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे हो, तुम सीख जाओगे, तुम मेहनत करोगे, अच्छा कर जाओगे। चलिए, सर का इतना ही आशीर्वाद है। मैं और आगे गया और कुछ ऐसे शिक्षक मिले जो मुझे उनसे बेहतर थोड़ा ज्ञान दिए, कुछ और मिले। लेकिन एक चीज़ हम विद्यार्थियों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग केवल ये मत सोचिए कि मेरे शिक्षक, मेरे इंस्टीट्यूशन, मेरे गार्जियन, मेरे सपोर्ट। सच्चाई ये है कि आप जीवन में जितने ज़्यादा चैलेंज लेंगे, हम लोगों ने चैलेंज लिया है, अब पढ़ाना शुरू किए, अचानक बोर्ड पे उतर गए, विद्यार्थी तो कहीं से पूछ सकता है। अब विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा तो आप उसका जवाब दो तरह से दे सकते हैं। एक तो बोलेंगे बैठ जाओ, जो पढ़ा रहे हैं आराम से सुनो, और दूसरी बात है कि उसको प्रॉपर जवाब देना है। अगर जवाब नहीं है तो फिर स्टडी करना है। हो सके एक बार क्लासरूम में हम हल्का शर्मिंदा भी हो जाएं कि भाई मेरे पास इस प्रश्न की जवाब नहीं है, लेकिन वो प्रश्न तो है मेरे पास, वो एक ही बार के लिए मेरी शर्मिंदगी है। मैं अगले दिन अध्ययन करूंगा, अगर खुद से नहीं जान पाऊंगा, अपने सीनियर से, शिक्षकों से, जैसे भी होगा, अध्ययन करके उसको फिर बेहतर बनाऊंगा कि आगे से तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास बेहतर होना चाहिए। और हम लोग बस यही तिनका तिनका भरते 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 अब लोग जो उपाधि दे। लेकिन हम लोगों ने सीखा तो ऐसे ही है, मतलब कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के दरमियान जो जो कमियां रहे उन कमियों को दूर किए, और वही कमियां जो है हमको सिखाते गए, फिर आगे बढ़ते। अच्छा संजीव सर, एक बात और बताइए, आपकी जो आपके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो अन्य जगह पे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो ऐसा क्या अंतर है कि विद्यार्थियों में आपके यहाँ पढ़ने का ज़्यादा क्रेज है या फिर ज़्यादा रुझान है? एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट जहाँ पे बेहतर ढंग से बातों को समझ पाता है, मेन बेसिक डिफरेंस यहीं पे है। कंटेंट लगभग सब जगह एक ही है, लेकिन जो मोड ऑफ टीचिंग है उसमें डिफरेंस है। फिर क्या है कि लोग एक सीक्वेंस नहीं बनाए हुए हैं, फिर उनके पढ़ाने के जो रफ्तार भी है उसमें स्टडी रेट नहीं है,
वो कभी क्या करते हैं, कुछ टॉपिक को बहुत फास्ट पढ़ा देंगे, बहुत कम दिन एग्जाम के बच गया, 10 दिन में 5 टॉपिक पढ़ा देंगे, और इस तरह से बच्चे जो है बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ जनरली पढ़ने वाले बच्चों से आप पूछेंगे तो वो ये बतलाएंगे कि वो इतने आराम से सही ढंग से, और एक बना हुआ प्लान है कि वो सही समय पे फिनिश भी होगा। ये नहीं है कि आपको ड्यूरेशन जो है लिया जा रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि टाइम पे कोर्स फिनिश नहीं, टाइम पे ही कोर्स फिनिश होगी। लेकिन वो जो है जो जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर चैप्टर वाइज होना चाहिए, और देखिए सबका मोड ऑफ टीचिंग अपना होता है। मुझे जो लगता है कि विद्यार्थी मुझे ज़्यादा लाइक इसलिए करते हैं कि अन्य लोगों का जो अभिव्यक्ति है, पढ़ाने का जो तरीका है, उससे कुछ मेरा अलग है। अच्छा, बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट करने का, जो सेशन स्टार्ट करने का टाइम होता है और एंड करने का, आप उसमें ही डिवाइड कर देते हैं कि क्या किस टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे सर, जो आप इतने अच्छे हर कुछ जो स्टार्टिंग से अभी तक मैनेज कर पा रहे हैं, आपको एक तरह से मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है, तो ये कहाँ से ये आर्ट जो आप में आया? नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो परिस्थिति है वही आपको सब कुछ सिखाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो पहले दिक्कत आया कि भाई आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो कोई एडमिशन लेने वाला होना चाहिए, उस जगह को देख रेख करने वाला। तो शुरुआत दौर में तो आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग क्लासरूम में खुद से झाड़ू लगाते थे क्योंकि कोई स्टाफ नहीं था, फिर बच्चों से फी भी खुद लेते थे। फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव किए तो साथ में हमारे कुछ सहयोगी लोग भी जुड़ने लगे और कुछ और भी स्टाफ लोगों को रखने लगे हम लोग। फिर जो है रही बात जब आगे बढ़े, तब ये हुआ कि जब आप मनी को अर्न करते हैं तो अर्न करना एक बात हुई, और उस अर्न को इन्वेस्ट कैसे करें। तो यहाँ अगर कुछ लोग जो मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं, उसकी रीज़न कहीं से भी ये नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूट को इतने बेहतर ढंग से रन कैसे कराया, बल्कि सही बात तो यह ना कि ये केवल फिजिक्स की सेंटर है, ये ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। इसलिए आप एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि हमने कभी कोचिंग नहीं चलाया, कोचिंग चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फेलियर ही हैं। हाँ, हमने एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से रन कराया है क्योंकि मैं उसको खुद पढ़ाता हूँ। फिर क्या है कि मेरे यहाँ हर वीक में एक टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है, चैप्टर के एंड पर टेस्ट होता है, और बच्चों को जो है जो फैसिलिटी शायद मैं उपलब्ध करा पाता हूँ, बहुत से लोग उस लेवल तक शायद नहीं करा पाते हैं। फैसिलिटी का मतलब जैसे आप समय पे टेस्ट लेते रहिए पेरिडिकली, आप जो हैं खुद के अलावे भी डाउट सेशन के लिए भी अलग से कुछ शिक्षक वगैरह को हेल्प के लिए रखिए। जैसे यहीं पे हम लोग लाइब्रेरी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ है, स्टडी एरिया सब डेवलप करके रखे हुए हैं कि आज के डेट में बच्चों को जो है जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनको घर में पढ़ने के माहौल नहीं है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम यहीं पर चले आओ, यहीं पर दिन भर बैठ कर के पढ़ो, कम से कम तुमको पढ़ने के लिए एकदम कम्प्लीट ऐसी कैंपस सही ढंग से सब व्यवस्था मिल जाता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जो जिसके वजह से बच्चे मेरे यहाँ ज़्यादा पढ़ते हों। और जो मैनेजमेंट गुरु की बात हुई, तो एक्चुअली मैंने बहुत वाइज इन्वेस्टमेंट किया, भले उस दिन वो वाइज नहीं लगता था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपया कमाया, एक तो मुझे शुरू से ही पता नहीं क्यों इनकम टैक्स देने की शौक थी कि मैं भी मतलब टैक्स पेयर बनूँ। तो जब मेरे पास बाइक ही था तो मैं इनकम टैक्स देता था उस दिन भी। तो कौन से मतलब 99-2000 की बात बता रहे, मैं उस समय से टैक्स पेयर हूँ। और उसके वजह से क्या हुआ कि मेरा हर चीज़ अरेंज्ड वे में हुआ, तो मैंने पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट किया। अब मान लीजिए हमने रियल इस्टेट में कुछ पैसे को लगाया, जो 2 रुपये का सामान था वो आज 2000 की हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैं समझ गया कि आप पैसे को किस तरह से बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट करें। और उसके वजह से एक तो हमने दिन रात मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत के बाद भी जो मेरा साइड वर्क था कि अगर आप बेहतर ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें
तो आप चाहें तो आप मनी से मनी को अर्न कर सकते हैं, मनी को रोटेट कर, हाँ उसको हम कैसे करें इसको शायद मैंने, अब वो हम लोग किसी और सेशन में रखेंगे, फिलहाल जो है हम लोग अगले टॉपिक पर हैं। अच्छा एक बात और बताइए सर कि अभी तक से मतलब स्टार्ट से लेके जो अभी तक आपका सफ़र रहा है, मतलब इसमें आपके जीवन पर किन लोगों का जो है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? देखिए अगर दुनिया में जो लोग नहीं हैं उनके बात अगर करें तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। एक तो मैं अपने फादर का नाम शुरू में ही लिया, मैं महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जो शायद जो आपके कुछ उन प्रश्नों का भी जवाब होगा जिसमें आपने बोला कि लोग आलोचना करते हैं तो आप विचलित क्यों नहीं होते। मैं भगवान बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और अगर जीवित दो व्यक्ति का अगर नाम लेने के लिए बोलिएगा तो मैं दो व्यक्ति से ज़बरदस्त प्रभावित हुआ, और वो एक सचिन तेंदुलकर, आपने और तस्वीर भी लगा रखी, हाँ, और एक अमिताभ बच्चन। अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेज हैं और सचिन क्यों? सचिन से मैंने एक बात सीखा, वो ये कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। सचिन के पहले मैं अपने टीम को सम्मानजनक ढंग से हारते देखता था, सचिन के आने से जीतना शुरू हुआ था। और मैं भी अपने रियल लाइफ में ये सोचता था ना कि मुझे टीम अच्छा नहीं मिला, मेरे अगर भाई सहयोग कर देते, बहन सहयोग कर देती, हम लोग मिल जाते, सब आदमी काम करते तो बहुत तरक्की करते, तो हम अपने भाइयों पे भी दबाव बना के रखते थे, आपको भी ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। सचिन के आने के बाद मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने कहा जिसको जो करना जो करना, अब तो मेरा हीरो मिल गया है, मैं तो अकेले ही बहुत कुछ कर दूंगा, चल मैं पांच भाई बहनों पांचों के बदले मैं अकेले काम कर दूंगा। और तब मुझे इतना आथा एनर्जी मिला कि वो एनर्जी तो आज तक बरकरार है, मुझे आज तक नहीं लगता है जैसे लगता है कि मैं पांच दिन पहले कोचिंग चलाना शुरू किया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं लगता उसमें। दूसरी बात है अमिताभ बच्चन का मैं इंटरव्यू दिया देखा जब वो 60 साल के हुए, तो वो 60 साल के हुए तो उन्होंने ये बतलाया, कभी कभी मेरे मन में भी आता था कि इतने दिनों तक अब काम कर लिए, बहुत लोग सलाह देता था अब लाइफ को एंजॉय कीजिए आपको, हाँ हाँ अब क्या दिक्कत है, ये है वो है। लेकिन अमिताभ बच्चन का जब मैं इंटरव्यू देखा, क्योंकि अमिताभ बच्चन 1984 में ही फिल्म से संन्यास ले लिए थे और राजनीति में चले गए थे, तो वो बोले कि मैं फिल्म से अलग भी हुआ तो बहुत अलग, वहाँ कुछ रिलैक्स नहीं था, कोई इंटरव्यू लेने आ जाता था, कुछ काम नहीं मज़ा है, काम नहीं आनंद है, इसीलिए मैं अपना सेकंड इनिंग एक तरह से स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वो ये बोले, कोई बोला कि अब तो 60 के आप हुए, तो बोले कि हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि 60 के हुए सठिया गए, लेकिन हम तो ये बोलते हैं साठा तो पाठा, साठा तो पाठा, पाठा अब तो मैं पाठा हुआ हूँ, अब तो पहलवान हुआ हूँ, अब तो ताकतवर, अब तो मैं परिपक्व हुआ हूँ। तब मुझे लगा कि कोई 60 साल के बाद अपने आप को पाठा कह रहा है, तब तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके पुत्र के उम्र के हूँ, तो मुझे तो मज़े से अपने वर्क को करना चाहिए दिन रात लग के। इसलिए मुझे कभी आराम के लिए मेरे माइंड में ख्याल भी नहीं आया कि मुझे कब संन्यास लेनी है। रही बात तो बहुत से मन में अभी ख्यालात हैं, और इन लोगों के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बार बार ये बोलता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि सचिन को खेलते हुए अपने इन आँखों से देखा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, मुझे तो आज भी वो छोटे ही दिखते हैं, कि एक छोटा सा बच्चा क्या गजब का आत्मविश्वास दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखाया, और बस भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज जितने भी प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं सचिन से प्रेरित होकर के भारतीय टीम में, स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में तो आपका रुझान रहा ही है, उस जमाने में आप क्रिकेट के भी फैन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट के जबरदस्त फैन थे। अच्छा अभी के टाइम में सर आपका कोई क्रिकेटर जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो?
देखिए अभी के टाइम में अगर आप ये कहें तो मैं क्रिकेटर में पहले से मैं ये सोचता था कि अगर सचिन संन्यास ले लेगा तो मैं क्रिकेट कैसे देख पाऊंगा। अच्छा, ये मेरी दर्द थी। आपको बता दें 2013 में जब वो संन्यास ले रहे थे मैं टीवी नहीं देखा था क्योंकि मैं संन्यास लेते सचिन को नहीं देख सकता था। मुझे लगता था कि ये संन्यास लेंगे तो पता नहीं मुझे मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी गायब हो जाएगा तो मुझे भी कहीं संन्यास न लेना पड़े। मैं कहता था तू संन्यास क्यों लेता है यार, इतना मज़े से खेल रहा है, तुम बाकी लोगों से तो ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे दिखता है। लेकिन खैर वो तो वक्त है। लेकिन मुझे अभी के प्लेयर में बहुत बढ़िया रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोहली तो नो डाउट रन मशीन है, क्रिकेटर एज ए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे पसंदीदा क्रिकेटर में अगर मुझे एक रैंक देना हो तो मैं रोहित शर्मा को रखूं, हार्दिक पांड्या को रखूं, शायद तीसरे नंबर पर मैं कोहली को रखूं। अच्छा, एक बात और बताइए सर कि अभी तक का जो इतना सफर है, जो जिन लोगों से भी आपको मोटिवेशन मिला है अभी तक में, आगे का क्या प्लान है आने वाले 5 सालों में? देखिए मेरा कुछ प्लान जो एक कुछ प्लान तो फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मुझे बहुत दिनों से शुरुआत दौर से ही जिसको मैं कर नहीं पाया हूँ, वैसे तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत से लोगों को हेल्प किया हूँ, और चूंकि मेरा परिवार में संस्कार ही वही मिला था कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास पहुँचे और अगर तुझे लगे कि ये व्यक्ति डिजर्विंग है तो उसे हेल्प करना चाहिए यथासंभव, चाहे वो शब्द से हो, धन से हो, जिस रूप में भी हो। तो मुझे एक बहुत दिनों का योजना था, मुझे एक स्कूल बनाना है और वो भी स्कूल मुझे अपने गांव साइड में बनाना है। वो इसलिए क्योंकि जो धनी घर के बच्चे हैं वो तो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ पाते हैं, लेकिन जो बहुत साधारण बच्चे हैं उनके लिए वो स्कूल उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक मिनिमम फी में, न के बराबर फी में, मैं उन लोगों को भी उस स्कूल में पढ़ा सकूं, क्योंकि जब तक बेसिक शिक्षा अच्छा नहीं ग्रहण करेंगे तो आप ऊपर में ले जाकर उनको मोटिवेट करें या कुछ भी करें, उन पर वर्क भी करेंगे तो वो उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ, देखिए वो कब होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक न के बराबर फी में या जो फी ना भी दे सके मैं कैसे उनको जोड़ सकूँ और उनको वो क्वालिटी एजुकेशन दो। एक तो एजुकेशन जो मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी भी तरह का एजुकेशन तो नहीं है। स्कूल जाने का भले कुछ बच्चे जा रहे हों आ रहे हों साइकिल योजना वगैरह वगैरह के कारण या जो भी हो, लेकिन वो कहीं से भी पढ़ाई के माहौल नहीं। मैं उस पर ज़रूर काम करना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जब कोई स्टूडेंट IIT या JEE का तैयारी करता है तो मतलब उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए उसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, और जनरली वो लोग संस्थान जो है ढूंढते हैं, अखबार वगैरह में लोग ऐड दे करके और उन बच्चों को अपने यहाँ बुला लेते हैं। ये अलग बात है कि उन बच्चों को वो पढ़ा नहीं सकते हैं, वो पढ़ाने वाले भी जानते हैं, कारण कि वो इनके भाषा को जो है अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते। दूसरी चीज़ उनका बेस वीक होता है। तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअली कुछ अच्छे शिक्षक को सिलेक्ट करें, उनसे हमें स्टडी लें। दूसरी बात, जिन बच्चों को जो शहर में रह रहे हैं उनको 9-10 से ही अगर हो सके तो 11-12 के सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए, और एडिशनली कम से कम 1-2 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करके जो अच्छे टीचर हैं वहाँ पढ़ें। उसके जब उस वो अगर बच्चों का बेस बहुत अच्छा हो गया है तो वो फिर इंडिया के कोई भी कॉरपोरेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, वो बहुत अच्छा करता है। जनरली क्या होता है कि बच्चों का पैसा भी वेस्ट हो जाता है और वो बहुत बेहतर सीखते भी नहीं हैं। बेचारे
जो बहुत सपने लेकर के आते हैं वो फाइनली वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आप जो हैं संस्थान को सावधानी से और अपनी स्थिति, अपने टैलेंट योग्यता को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए सिलेक्ट करें उनके लिए क्या अच्छा, हाँ क्या अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर कॉरपोरेट को ज्वाइन करते हैं तो आप कॉरपोरेट तब ज्वाइन कीजिए जब आप ये समझिए कि हम वहाँ पे अगर मुझे कोई फास्ट भी पढ़ा रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रेंथ को मजबूत भी मान करके चल रहा है, तो भी जो है तभी हम उसको संस्थान को ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात ये हुई कि हम अपने सीनियर से पूछेंगे, जानेंगे कौन सा संस्थान बेहतर है, उस इंस्टीट्यूट का फीडबैक क्या है, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से कुछ बात करें, ये बहुत बढ़िया मेथड है। अच्छा एक बात और सर, अगर आपके संस्थान में कोई पढ़ना चाहे तो बेसिकली उसका क्या प्रक्रिया है? देखिए इसमें दो तरह के बैच है, एक फाउंडेशन कोर्स होता है, एक टारगेट कोर्स होता है। फाउंडेशन उन लोगों के लिए होता है जो जस्ट टेंथ करके आते हैं, 11th 12th। हाँ बिल्कुल। और फाउंडेशन कोर्स कहने की फाउंडेशन है, पढ़ाया स्टेप वाइज इतना जाता है कि जिससे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन उनका एकदम बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। और टारगेट बैच वो 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए रहता है, तो जो 12th पास आउट हैं उनके पास बहुत कम समय होता है और वो 6 से 8 महीने के अंदर जो है उनको पूरे कोर्स का प्रिपरेशन करना होता है। अच्छा टारगेट बैच में 6 से 8 महीने के अंदर आप? हम बिल्कुल उतना ही टाइम ही उनके पास होता है, फिर उनका एग्ज़ाम आ जाता है। तो जो भी टारगेट बैच में 12th पास आउट हैं, अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसे संस्थान को ज्वाइन कीजिए, आप कोई कॉरपोरेट जो अच्छे कॉरपोरेट हो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेस अच्छे नहीं हो तो आपको हमेशा इंडिविजुअल ट्यूशन को प्रीफर करना चाहिए, उसमें टाइम भले लगता है लेकिन आप बेहतर एजुकेशन को गेन कर पाते हैं। अच्छा सर एक बात और बताइए कि राजनीति को लेकर आपका क्या रुझान है, मतलब क्या हम लोग कभी आपको राजनीति में देख पाएंगे वगैरह? देखिए वैसे तो आप कहें तो राजनीति हर कोई कहीं ना कहीं करता ही है, लेकिन फिलहाल तो मुझे राजनीतिक रूप से कुछ इस तरह का नहीं दिखता है कि हाँ मैं पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करूं और ये करूं, इसके बाद मुझे ऐसे काम करना है। लेकिन सोसाइटी के प्रति, चूंकि मेरे फादर सोशल एक्टिविस्ट थे इसलिए आप बोल सकते हैं राजनीति मेरी विरासत में थी। तो चूंकि हम लोग शुरू से, मेरे फादर लेफ्टिस्ट थे, लेफ्टिस्ट मतलब समझ लीजिए हमेशा कमज़ोर लोगों को साथ देने वाले व्यक्ति, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर में वही विचारधारा आई। अब उसको आप पार्टीगत ढंग से जोड़ें तो बहुत उचित नहीं होगी, क्योंकि पार्टी तो वोट की भी राजनीति करती है, लेकिन मेरे फादर काम के राजनीति किए थे, उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था लेकिन लोग उन्हें नेताजी के ही नाम से संबोधित करते थे। और मुझे भी लगता है कि मुझे सोशल एक्टिविस्ट बनने की जो आनंद है, लोगों के बीच काम करने की जो आनंद है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करके उसके आधार पर किसी पद को प्राप्त करके और उनके जो सिद्धांत मेरे को रुचे या न रुचे उनकी चापलूसी करके मैं राजनीति नहीं कर सकता। और बुर्जुआ राजनीति जो आज के डेट में है, बुर्जुआ, हाँ बुर्जुआ कहिए, जो बुर्जुआ राजनीति जो है वो बहुत हद तक आधारित है कि आप अपने शीर्षस्थ के नज़दीक जाने के लिए किस किस तरह के प्रोपगंडा को अपनाते हैं, सही और गलत बहुत तरह, और चाहे उनकी गलत भी हो उसका भी साथ देना है, तो उसमें बहुत कंफर्टेबल हम लोग फील नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी पार्टीगत तौर पे कहीं ना कहीं कुछ इंक्लाइनेशन होता है, लेकिन जो लोग भी बेहतर काम कर रहे हैं हम उसका सराहना करने से कहीं नहीं चूकते हैं, और जो चाहे कितने भी ताकतवर हों और गलत काम करते हैं तो उसकी आलोचना करने से भी हम लोग रुकते नहीं हैं। मैं खास करके बिहार के संदर्भ में कहूँ तो नीतीश कुमार को मैं इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके
हम लोगों ने आंदोलन चलाया था शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि उससे बच्चे और महिलाएं प्रभावित होती थी। ये अलग बात है कि वो किस रूप में लागू हुआ और उसका कितनी बेनिफिट है, बाकी उनके योजनाएं किस रूप में हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं, मैं उनके व्यक्ति, मैं कम से कम एक बात कह सकता हूं कि मेरे आवाज़ जो उठाए गए और बहुत तरीके माध्यमों से शायद पहुंचाए गए, तो केवल मेरी ही एक आवाज़ नहीं होगी, मेरे जैसे बहुतों की आवाज़ होगी। उसको उन्होंने लागू किया और कोशिश किया तो ये मुझे अच्छी लगी कि ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके वजह से राजस्व की क्षति हो सकती है, बिजनेस की क्षति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य से बड़ा ये सब चीज़ मामले रखते हैं। और फिर खास करके महिलाएं और बच्चे इस समाज में बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रताड़ित होते थे, तो मैं इस योजना को बहुत सराहना करता हूँ। और काम बहुत सारे हैं जो अन्य अन्य पार्टियों के द्वारा जो है भी संचालित किया गया, और कुछ सराहनीय है, कुछ इनकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन ये राजनीतिक मंच है नहीं, तो मैं इस पे चर्चा करना बहुत उचित नहीं। फिल्म वगैरह देखते हैं सर आप? बिल्कुल, फिल्म तो मैं देखता हूँ, लेकिन मैं टीवी पे फिल्म नहीं देखता। मैं सिनेमा हॉल में ही जा करके फिल्म को देखता हूँ, इसलिए क्योंकि टीवी पे मैं अक्सर, मुझे आदत नहीं है स्क्रिप्टेड चीज़ों को देखने की, मेरी आदत नहीं, मुझे लाइव प्रोग्राम हो, अब चाहे वो कॉमेडी शो हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, या क्रिएटिव चीज़ हो, वो डिस्कवरी चैनल हो, ट्रैवल एक्सपी हो, वो एनुअल प्लैनेट हो। ट्रैवलिंग पसंद है सर आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा। तो अब क्या है कि, और रही बात जैसे पहले मैं न्यूज़ चैनल खूब देखता था, लेकिन अभी क्या देखता हूँ कि न्यूज़ चैनल कंप्लीट स्क्रिप्टेड है, वो उसको पता है मुझे क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है, तो मुझे लगता है कि ये बात क्या सुनना है, प्रोपेगेंडा के आधार पर न्यूज़ चलाया जाता है, उसके आधार पर चलाया जाता है। तो मैं, मुझे लगता है कि मुझे न्यूज़ चैनल को सही ढंग से देखे हुए 6 महीना हो गया होगा। मैं टीवी पे, मैं जाते ही मैं या तो ट्रेवल एक्सपी लगा दूंगा, कबड्डी चल रहा है कबड्डी देख लेंगे, केबीसी चलेगा केबीसी मैं देख लूंगा, क्योंकि एक तो अमिताभ बच्चन होते हैं तो ऊर्जा के स्रोत मेरे ऐसे ही हैं। मैं एक लाइन और बताना चाहूँगा, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि पाँव उतना ही पसारो जितनी लंबी चादर हो, लेकिन अमिताभ बच्चन के ही शब्दों में कि हर बार मैं पाँव को ही नहीं समेटूंगा, चादर को भी तो बड़ा कर सकता, तो फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा उनके एक संवाद से, जबकि मैं रेगुलरली कभी से भी मैं देख नहीं पाता, लेकिन उनके ये संवाद की इतनी गहरी असर हुई कि मैं हर जगह ये सोचा कि अपनी हैसियत को बड़ी करनी है, चादर को फैलाना है, हर बार केवल खुद ही को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ वो ये है कि मेरे वजह से किसी भी व्यक्ति को अगर तकलीफ पहुंचता है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होता है, कोई मुझे तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे कम दिक्कत होता है, लेकिन अगर जाने अनजाने कोई व्यक्ति को मैं तकलीफ पहुंचा दूं तो मैं लगातार ग्लानी में रहता हूं कि मेरे मुंह से क्यों ऐसे निकल गया, क्यों। तो मेरे जो आदर्श रहे हैं लोग, चाहे वो सचिन रहे हों या अमिताभ बच्चन रहे हों, तो उन लोगों में मैं एक ह्यूमन बीइंग देखा। सचिन को ज़बरदस्त आलोचना होता था, जो आप बोले कि आलोचनाओं के सुनने के बाद आप में विचलन नहीं आती है, एक और रीज़न है। सचिन का जब आलोचना होता था कि सचिन का अब दिन लद गया, तब तक वो 2 सेंचुरी लगातार मार देते थे, तो मैं भी जानता था कि लोग आलोचना करें, जवाब अपने काम से दो, जुबान से हर चीज़ की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त कभी कभी खुद भी जवाब दे देती है। अच्छा, पढ़ने में रुचि है सर आपका, मतलब? हाँ, लगातार, बिल्कुल, नॉवेल्स, बिल्कुल, फिक्शन। बल्कि हकीकत तो ये है कि मैं जीवन में साहित्यकार बनना चाहता था। अच्छा। मैं कभी फिजिसिस्ट या फिजिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं बनना चाहता। हालांकि आप सर बहुत अच्छे वक्ता तो हैं, मैंने सुना है कि आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। ठीक है, अच्छा है कि नहीं, लिखता हूँ। ओके। लिखता हूँ, विद्यार्थियों के लिए लिखता हूँ,
श्रृंगार के लिए लिखता हूँ, देश के लिए लिखता हूँ, मतलब श्रृंगार रस जो है, रोमांटिक आप पोएम बोल सकते हैं, शायरी बोल सकते हैं, व्यंग बोल सकते हैं, मैं हर विषयों पे लिखता हूँ। अब चूँकि साहित्य से उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे साहित्य के असर क्या होगा वो तो आपके दर्शक श्रोता जो भी होंगे वो खुद कमेंट करेंगे, भाव से भाव जुड़ रहा है, लेकिन हाँ तो आपको बता दें कुछ मैं अगर आपको ऐसा हो तो मैं विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए, चूँकि विद्यार्थियों के भी दिन भर रहता हूँ, विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए मैंने एक वक्त शीर्षक से पोएम लिखा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी वक्त का महत्व नहीं समझते हैं, टाइम अपना वो वेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो है तो बहुत लंबी कविता, लेकिन मैं सुनाता हूँ जितने लाइन, तो खास करके जब विद्यार्थी के जीवन में अंधेरा छाता है, जब जैसे वो कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा है, नहीं जॉब नहीं लग रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, निराशा में है, डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए मैंने लिखा कि फिजा ढल जाएगी शायद होगी कयामत, सुबह आ जाएगी लम्हे भर ही रात है, अरमा समर भी जाएगी और बिगड़ भी जाएगी, कब किसने देखा वक्त, ये वक्त वक्त की बात है, अरमा टूट गए हैं तो नए बन भी जाएंगे, दुखी होता क्यों है पार्थ, टूटते रहते हैं अरमाने, तेजगी पास है तेरे, अवसर निश्चित मिलेगा, ये तो वक्त की है बात, ये तो वक्त ही जाने, चमन में खिलोगे जब तुम चांद तारों की तरह, चमन में खिलोगे जब तुम चांद तारों की तरह, पग वही रहेंगे पर हर शख्स बदल जाएंगे, खुशबू निकलेगी भी एक दिन गुलाबों की तरह, थोड़ा धीरज रखो तुम लम्हे भर में तेरे वक्त बदल जाएंगे, ऊंच विचार रखोगे अगर इस सरल जीवन में, बुलंदी पे एक दिन तेरा भी सितारा होगा, और तब सिहनाद करोगे और क्या क्या याद करोगे, फरियाद थोड़ा कर लो एक दिन वक्त भी तुम्हारा होगा, और लास्ट सुना रहे हैं, जमाने से क्यों सिकवा करते हो, जमाने से क्यों सिकवा करते हो, सदियों से बेदर्द रहा है ये जमाना, जमाने से क्यों सिकवा करते हो, सदियों से बेदर्द रहा है ये जमाना, आसमां उनके कदमों के नीचे होता है, जिसने वक्त पे है वक्त को पहचाना। तो संजीव सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो भी आपके जीवन, मतलब बेसिकली आपका जो जीवन है और जो आपके जीवन की कहानी है वो खुद में एक प्रेरणादायक है, ओके, कितने सारे विद्यार्थी हैं जो सेम कहानी सबके साथ कहीं ना कहीं गुजरता होता है, सेम वही गांव से आना, शहर में पढ़ना, सेम वही परेशानी कहीं ना कहीं, मतलब जो उन परेशानियों को अपने हिसाब से एज अ चैलेंज लेकर और जो पूरा करने का जो मेंटेलिटी है आपका, बस उसी से तो कामयाबी मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और थैंक यू सर।